हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 2 सेलिब्रेटिंग पोंगल। इसके आगे का मैंने पहले समझा दिया था, अब ये आगे का समझाती हूँ। इट ए पोंगल का त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द तमिल मंथ डेट अराउंड मिड जनवरी। ये जो साउथ इंडिया का त्योहार है पोंगल, वो 5 दिन के लिए मनाया जाता है, जो जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और इसका मतलब है कि अब जो खेत में राइस का पाक हो गया है, उसको ले लेने का वक्त आ गया है। द डे बिफोर पोंगल इज बोगी। पोंगल के पहले जो दिन आता है उसको बोगी बोलते हैं। द डे फॉर स्प्रिनिंग क्लीनिंग इन द मॉर्निंग ऑल द कॉबवेब्स अराउंड रिमूव एंड द हाउस आर वाइट वॉश। इसका मतलब होता है कि जो घर में स्प्रिंग क्लीनिंग का वक्त आ गया है, वो सुबह मॉर्निंग में सब जो स्पाइस के जो झाले हैं वो निकाल देते हैं और घर को भी वाइट वॉश कर देते हैं। और यूजिंग राइस पेस्ट एंड हाँ, और घर पे वो बड़ी बड़ी कोलम बनाते हैं और उसमें वो कोलम का चित्र बनाते हैं, उसमें वो राइस की पेस्ट और रेड कलर का उपयोग करते हैं। लेटर इन द इवनिंग ऑल द अनवांटेड ऑड्स इवेंट्स एंड जंक फ्रॉम द ओल्ड हाउस इन द नेबरहुड आर कलेक्टेड इन ही बन। और फिर देर शाम को सब लोग जो कूड़ा कचरा होता है उसको इकट्ठा करते हैं और जला देते हैं। और फिर द चिल्ड्रन ऑफ द लोकालिटी गेदर अराउंड एंड द बोनफायर बीटिंग देयर लिटल ड्रम्स। एंड वो अपने छोटा ड्रम लाके बजाने लगते हैं। इसको कॉल्ड बोगी कुट्टू, उसको बोगी कुट्टू बोलते हैं। विच आर स्पेशल मेड फॉर द ओकेजन। ये स्पेशल पोंगल के त्यौहार के लिए भी तैयार किया जाता है। द नेक्स्ट डे ऑन द डे ऑफ पोंगल, जो इसके बाद पोंगल के दूसरे दिन पीपल है, सब लोग है, जल्दी सुबह में उठ जाते हैं और नए नए ड्रेस पहन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही बड़ी कोलम का चित्र बनाते हैं। और वो सर क्योंकि सूर्य भगवान के स्वागत के लिए ये चित्र बनाते हैं। द पोंगल फेस्टिवल इज डेडिकेट हिम बिकॉज विदाउट सन देयर वुड बी नो क्रॉप। ये सूर्य भगवान के स्वागत के लिए सूर्य भगवान को अर्पण करते हैं और उसके स्वागत के लिए बनाते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान के बिना पाक तैयार होता नहीं। इट इज़ द डे ऑफ थैंक गिविंग्स, ये सूर्य भगवान को आभार मानने का दिन है। ए स्पेशल डिश सकराई पोंगल इज प्रिपेयर्ड इन ए लार्ज अर्थन पॉट। इसमें एक खास डिश पोंगल के लिए खास डिश बनाई जाती है और वो मिट्टी के पोट में बनाई जाती है। विच इज़ फील्ड विथ मिल्क, ए मिल्क से भर देते हैं और उनको मड़ के ओवन में, मिट्टी के ओवन पे रखते हैं। जब दूध उबलने लगता है तो इसमें अभी अभी नए जो राइस को खेत में से लाए हैं वो डालते हैं और गुड़ भी डालते हैं। जब मिक्सचर बिकम्स क्रीमी थिक स्पाइसेस आर एडेड, जब ये मिक्सचर बहुत ही क्रीमी हो जाता है, थिक हो जाता है, तब उसमें और भी स्पाइस मसाले डालते हैं जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सुगंध भी आती है। एन इमेज ऑफ सन गॉड इज ड्रॉन ऑन द वुडन प्लांट। एंड सन गॉड का एक कल्पना करके उसको एक लकड़े के प्लांट पे ड्रॉ करते हैं और भगवान को प्रेयर करते हैं। आज बस इतना ही, फिर आगे समझाऊंगी।